हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्की व्लॉग्स। और दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ सीआर पार्क के मेला ग्राउंड में, जहाँ पे दुर्गा पूजा शुरू हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफी भव्य पंडाल यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ की पूरी वीडियो दिखाएंगे, इसमें पूरी आपको डिटेल बताएंगे क्या यहाँ की टाइमिंग है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और आपको दिखाते हैं मेला ग्राउंड का, सीआर पार्क में लगा हुआ ये दुर्गा पूजा पंडाल। यहाँ लाइन आप देख सकते हैं, मेला ग्राउंड के बाहर लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। यहाँ पे आना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम से आएं, ताकि ज्यादा लंबी लाइन आपको ना देखने को मिले, आप अंदर आराम से जा पाएं और दर्शन कर पाएं। ये देखिए, ये है यहाँ का मेन एंट्री गेट। यहाँ से आप चलेंगे अंदर और सामने आपको ये पंडाल दिख जाएगा। वो देखिए, बहुत ही भव्य और खूबसूरत पंडाल सामने लगा हुआ आप देख सकते हैं। ये पंडाल के सामने दोस्तों बिल्कुल आपको एक ये बोर्ड दिखेगा, बहुत ही अच्छा बोर्ड है ये आपकी जानकारी के लिए। यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है कि सीआर पार्क में कहाँ कहाँ पे ये दुर्गा पूजा हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काली मंदिर, मेला ग्राउंड जहाँ पे हम खड़े हैं मेला ग्राउंड में, कोऑपरेट ऑफिस ग्राउंड, और ये डी ब्लॉक, ये पूरा आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर कि कहाँ कहाँ पे हो रही है। और उसके सामने ये देखिए, इसको आप स्कैन करके उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं। ये पूरे कोड दिए गए हैं यहाँ पे, तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक होने वाला है, आपकी हेल्प के लिए बहुत ही अच्छा बोर्ड यहाँ पे लगाया गया है, तो इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने की अगर हम बात करें तो सबसे जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है नेहरू एनक्लेव का, जो यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ उतरने के बाद आप ऑटो रिक्शा या फिर बैटरी रिक्शा लेके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि अपनी गाड़ी से ना आए, क्योंकि पार्किंग की बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्या होने वाली है, क्योंकि काफ़ी रास्ते यहाँ पे बंद किए हुए हैं। तो वहाँ से आप मेट्रो से आए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो सामने आपको ये पंडाल लगा हुआ दिख जाएगा, काफ़ी भव्य पंडाल लगाया गया है यहाँ पे। और राइट साइड में देखेंगे तो दिल्ली पुलिस का कंट्रोल रूम दिखेगा आपको। और यहाँ की टाइमिंग की बात करें तो दोस्तों, वैसे तो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये पूजा चलती है, किसी भी इस दौरान आप कभी भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में शॉपिंग स्टॉल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, फूड स्टॉल देखने को मिलेंगे, और सामने दिखेगा आपको माँ का पंडाल, जहाँ पे आप माता रानी के दर्शन कर पाएंगे दुर्गा माँ के। और यहाँ से चलते हैं अंदर, यहाँ पे पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। और इसकी अगर हम टाइमिंग की और डेट की बात करें तो आज से ये पूजा यहाँ पे शुरू हुई है और 12 तारीख तक ये चलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12/10/2024 तक ये चलेगी। इस तरफ आप देख सकते हैं पूरे स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे शॉपिंग स्टॉल्स हैं, कुछ कंपनी आई हुई है यहाँ पे अपने अपने प्रोडक्ट यहाँ पे बेचने के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। और उस साइड देखेंगे तो आपको फूड स्टॉल्स दिख जाएंगे। सबसे पहले आपको मैं इधर दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कंपनी के स्टॉल्स हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट भी दिख जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्रूट वगैरह है, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल है यहाँ पे किचन के लिए। तो अलग अलग तरीके के दोस्तों आपको स्टॉल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ बिस्किट्स वगैरह दिखेंगे। तो ये स्टॉल देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है चॉकलेट जोन, इसमें सबसे डिफरेंट चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आपको जितनी भी चॉकलेट्स मिलेंगी दोस्तों, ये सारी की सारी आपको इस, ये देखिए अब क्रैकर्स लगेंगे आपको, जैसे ये देखिए चक्री देख सकते हैं दिवाली में घर में यूज़ होने वाली, ये सारी की सारी चॉकलेट हैं, लेकिन दिखने में आपको लगेगा ये सुतली बॉम्ब जैसे होता है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, बहुत ही डिफरेंट तरीके की चॉकलेट्स हैं, अलग अलग तरीके की आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये अनार देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप जानते हैं दिवाली आने वाली है, दिवाली को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें इस तरीके से बनाई गई हैं। ये जितनी भी हैं ये सारी चॉकलेट्स हैं, लेकिन आपको ऐसे लगेगा जैसे क्रैकर्स रखे हों। इस तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे स्टॉल्स दिखेंगे। ये वाला स्टॉल है, यहाँ पे थोड़ी सी रौनक ज्यादा दिख रही है, यहाँ आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं बहुत ही खूबसूरत आपको माँ दुर्गा की ये मूर्तियां दिखने को मिलेंगी, बहुत ही अच्छी कला है यहाँ पे ये। इस वाले स्टॉल पे दोस्तों आपको ये माँ की सूप मिल जाएंगी, इस तरीके से सूप बोलते हैं इसको। ये छोटी छोटी मूर्तियां आप देख सकते हैं यहाँ पे माँ की प्रतिमाएं, और 150 रुपए से दोस्तों ये स्टार्ट हो जाती हैं। और इसकी हाईएस्ट रेट की बात करें तो इस वाले स्टॉल पे आपको 5,000 रुपए तक की ये माँ की मूर्ति मिल जाएगी। ये भी ऊपर देख सकते हैं आप, बहुत ही अलग अलग बहुत ही खूबसूरत माँ की ये प्रतिमाएं आप यहाँ से ले सकते हैं। ये वाला स्टॉल पूरा का पूरा आप देख सकते हैं।
पूरा का पूरा ये इधर का जो एरिया है ये मैं आपको दूर से ही दिखा देता हूँ, क्योंकि हर एक जो अगर हम स्टॉल पे नज़दीक जाके दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप अलग अलग स्टॉल पे जाके पूरा उसको डिटेल में देख सकते हैं। और इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे फूड स्टॉल्स दिख जाएंगे जहाँ से आपको क्या क्या खाने पीने को मिलेगा। आप पूरा ऊपर पढ़ सकते हैं, बिहार का व्यंजन है लिट्टी चोखा, ऊपर काला खट्टा भी आपको मिलेगा, चिस्की मिलेगा सब। इस तरीके से आगे जाएंगे तो आपको ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये देखिए लिट्टी चोखा आप यहाँ से ले सकते हैं खाने के लिए। कितने का प्लेट है? 100 रुपीज में दोस्तों आप लिट्टी चोखा यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगी रबड़ी आइसक्रीम, ये सब आइसक्रीम आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कुल्फी मिलेगी यहाँ पे चिल्ले वाली आपको, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्रूट आइसक्रीम मिल जाएगी। तो बहुत सारी आइटम दोस्तों आप यहाँ पे खा पी सकते हैं। यहाँ एक स्टॉल दिखेगा जहाँ पे दिल्ली सिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको बहुत सारी आइटम्स खाने को पीने के लिए मिल जाएंगी। अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो पूरा आप मेन्यू यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये देखिए रेट भी लिखे हुए हैं, ये देखिए ये सारी आइटम यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएंगी। और इधर भी देखेंगे तो इधर भी बहुत सारे आपको ये चाट भंडार दिख जाएंगे, यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे टिक्की चाट वगैरह मिल जाएंगे खाने पीने के लिए। और सामने की तरफ देखेंगे तो दोस्तों सामने आपको दिखेगा माँ का पंडाल, ये सामने देख सकते हैं काफी भीड़ यहाँ पे आई हुई है, काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ दोस्तों आरती शुरू हो चुकी है, माँ की आरती, माँ दुर्गा की आरती यहाँ पे अब शुरू हो चुकी है। और यहाँ देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा का पूरा पंडाल भरा हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत और कितना भव्य पंडाल बनाया गया है, ऊपर आप इसकी डेकोरेशन देख सकते हैं। और वो है सामने माँ दुर्गा की प्रतिमा, ये देखिए कितनी खूबसूरत प्रतिमा है दोस्तों। ये देखिए ये भी पूरे के पूरे स्टॉल देख सकते हैं यहाँ पे। ये पूरा पंडाल है और वो सामने है माँ दुर्गा की प्रतिमा जहाँ पे चल रही है आरती। और इस पंडाल के साइड में आपको एक बहुत बड़ा स्टेज दिखेगा, यहाँ पे जो भी कल्चरल इवेंट होंगे वो यहाँ पे इस स्टेज पे आप देख सकते हैं डेली। और टाइमिंग मैंने आपको दिखाई दी है वो ऊपर जो लिखी हुई है, काफी बड़ा स्टेज लगाया गया है। और उसके सामने आप ये देखेंगे स्टॉल्स जो लगे हुए हैं, लोग अपने घरों से अलग अलग आइटम बना के लाए हुए हैं खाने की। तो मैंने आपको यहाँ की ये जो मेला ग्राउंड सीआर पार्क में दुर्गा पूजा लगी हुई थी ये पूरी दिखा दी है, यहाँ पे सारी चीजें आपको दिखाई हैं, पूरी डिटेल बताने की कोशिश की है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं। और दोस्तों ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर नए हैं उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाके उसको सब्सक्राइब करें और वो नीचे बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि जितनी भी और ऐसी वीडियो आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, जय माता दी।